भी हम एंटर्स को कहते हैं ना ब्लो करना, वो ब्लो करना नहीं है, क्या होता है वो रास्ता देना है। हम कहते हैं ब्लो करना कि ब्लो कर दी, ब्लॉक नहीं करना होता। जैसे हम सर्कल में खड़े हैं ना, सर्कल में जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, ये जब घर बनता है ना एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है सबने, जहां पे गेट लगाना है वहां से हाथ छोड़ना पड़ेगा हमें, किसी बंदे ने एंटर करना है तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। बंदे ने एंटर करना है, अंदर आ रहा है तो हाथ छोड़ेंगे ना पीछे, हाथ छोड़ेंगे तो क्या है, वहां से हाथ छूट गया एनर्जी का, तो हम पट्टी क्या लगाते हैं उसको आपस में मिलाने के लिए, तो वो फ्लो कंटिन्यू करना है हमने, ब्लॉक करना नहीं है, ब्लॉक करना नहीं है, एनर्जी ब्लॉक होती नहीं, हो ही नहीं सकती, वो कंटिन्यूटी देनी हमने, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी करना, कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट का रास्ता छूट गया। सर कितने प्रश्न थे इसके ऊपर, सारे खत्म हो गए। तो वो कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट आप उसी जोन की रंग से भी कर सकते हैं, और ये जो वो तत्व है वो कल पंचतत्व में क्लियर हो जाएगा आपका कि एक तत्व दूसरे को क्रिएट करता है। जब अगर वो पानी है वहां पे, अगर हम ग्रीन भी कर देंगे तो पानी ग्रीन को मिलने से वो बैलेंस कर रहा है, उसको ग्रो कर रहा है, बढ़ाएगा ना उसको, तो वो ऊर्जा को बैलेंस करने का काम करेगा। अगर हम ग्रीन पट्टी भी कर देंगे तब भी, क्योंकि वो जोन पानी का है, पानी मिल गया साथ में, दोनों इधर पानी है, अगर बीच में ग्रीन कर दिया तब भी वो आपकी अपॉर्चुनिटी बननी शुरू हो जाएगी, तो वो रास्ता मिल गया उसको, जुड़ गई, कनेक्ट होगी, पर टूटी हुई थी, हमने जोड़ दी उसको, आपको उसका मित्र लगा दो ना। मेरा नाम विजय पटेल है, मैं नैरोबी केन्या से आया हूँ, वास्तु फील्ड से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक ये कोर्स करने से पहले साफ दिखता था कि मैं उतना क्लियर नहीं था इस फील्ड में, ये कोर्स करने के बाद इतने सारे हिचेस क्लीन हो गए, अभी साफ दिखता है कि वी कैन गो वेरी फार, और जो सर ने हमको नॉलेज दिया है वो कहीं ज़रूरत से भी ज़्यादा दिया है, और बहुत ऊंचाई और उनकी गहराई इस चीज़ में दिखती है, इस चीज़ के लिए सर को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम कवलदीप सिंह है, मैं मुंबई से महाराष्ट्र से आया हूँ, मैंने काफ़ी कोर्सेज वास्तु रिलेटेड, डाउजिंग रिलेटेड इंडिया से और अब्रॉड से की हैं, और एक मेरे दोस्त है जो विक्रांत सरफरे पूना से हैं, जो इस कोर्स के बारे में और सर जी के बारे में जानते थे, उनकी काफ़ी इच्छा थी कि मैं ये कोर्स करूं और मेरे नॉलेज में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा इधर आने से, और मैं काफ़ी खुश हूं सारी इतनी सारी कोर्सेज करने के बावजूद और अध्यात्म में रुचि रखने के बावजूद, मैं जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है उनसे सबसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि एक बार ज़रूर इनकी ये किताब ज़रूर पढ़ें और सर जी के पास आके ज़रूर 3 डेज का कोर्स अटेंड करें। बाकी के वास्तु जो सिखाते हैं मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा, पर जो भी वास्तु के बारे में जो चीज़ खोज रहे हैं वो इनके पास आने से और इनका कोर्स अटेंड करने से और सस्ते फीस में, जो मार्केट में जो फीस चल रही है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, उससे काफ़ी कम फीस में और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में साइट विजिट ले जाते हैं, ड्रॉइंग खुद सिखाते हैं, ड्रॉ करना और जो भी कोई उलझन जो भी कोई स्टूडेंट को आती है उनको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और मैं सर्वजीत सर का धन्यवाद करता हूं और मेरे दोष खत्म करता हूं। थैंक यू सर।